यहां तक तेरा फर्ज पूरा हुआ, अपने पति के ऋण से ऋण होना है तो इसकी चिता को अग्नि दे। सजनो भावुक रागनी है, कोई भी शब्द समझ में आए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, केवल हाथ उठा के ताली बजा के बताना कि बात में दम नहीं है। है तेरा फर्ज अड़े हुआ पूरा, अब सांव तेरी उल्टी हट जा। नहीं महाराज, उल्टी नहीं, हट नहीं महाराज। क्यों क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। है तेरा फर्ज हुआ पूरा, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। मुझे मेरा काम करने दे, अलग हट। नहीं महाराज, मैं अपने पति से एक क्षण भी दिन दूर नहीं होंगी महाराज। जब तक तू इसके पास बैठी है मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता। बेटी अगर तू तेरे पति को छोड़ के अलग हट जा। नहीं महाराज, तो मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो महाराज आप मेरे, आप पहले मेरे पति के प्राण दे दीजिए महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पति का तो रोड़ा है सारा, पति नहीं मिलेगा, क्या चाहती है? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। और मुझे इसके प्राण को निकालना है। तू नजदीक बैठी है, यो काम मन करन नहीं देगी तो कोई दूसरा विचार करना पड़ेगा। बेटी एक काम कर, खड़ी हो। जी महाराज। वो गुलाब का फूल खिल रहा है, जा उस फूल को तोड़ के लाके तुम मुझे दे दे, तब तक मैं तेरे पति को जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे बड़ी चालू है तू तो, समझ गई बेटी। जी मैं तेरे पति को तो नहीं दे सकता, लेकिन और बहुत कुछ दे सकता हूँ। क्या दे सकते हैं? सुन ले मेरी बात। सत्यवान के सिवा मांग ले, हर किज को न्याताल करूं। दिखे पहले वचनी भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करूं। बिना वचन के सवाल नहीं करेगी? नहीं महाराज। तो ले एक दो तीन। ठीक है महाराज। सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वसता जति पति बिन, मोक्ष बता किस ढाल करूं। जवान अवस्था जति पति बिन, मोक्ष बता किस ढाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। हे झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन फेर पट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन फेर पट जा। तीन वचन भरे। हाँ। एक वचन तू दे कि तू अपने पति को नहीं मांगेगी।
महाराज ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? पति को मत मांगना, ये वचन मैं इसलिए मांग रहा हूं अगर तूने अपना पति का जिक्र भी कर दिया तो तू वचनहार हो जाएगी, फिर तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी, वचन देख। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगूं तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बेटी जी, तीन वचन तीन वरदानों में बदल दिए, ले। पहला वचन विष्णु जी, दूसरा वचन ब्रह्मा, ठीक है महाराज, और तीसरा वचन महेश, ठीक है। दिल खोल के मांग जिससे मिट जा तेरे कलेश। कहिए महाराज। यकीन मेरा दिखे राज मिले, हेरे राज मिले और नैन खोल दो वो ससुरान तरही ने मेरा, राज मिले और नैन खोल दो वो ससुरान तरही ने मेरा। तेरा पहला वरदान जी महाराज, तथास्तु, ठीक है महाराज। चोंडा राय मंत्री ने राज खोसा वो भी दिया जी, तेरे सासू ससुरे की आंखें भी खोल दी बेटी, तथास्तु, ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलीन मेरा, बिना पति के श्रीमान ऊपर डट जा, दिखे उस मानस के कर ले जो कहीं बात में नट जा, उस मानस के कर ले जो कहीं बात में नट जा। लेकिन मैं नहीं नटूंगा, तीन वरदान दिए जी, एक वरदान दे दिया तेरे सास ससुर का राज उनकी आंखें, दो वरदान बचे हैं, पति को मत मांग लेना, दो वरदान में कुछ भी मांग ले दे दूंगा। तो सुनिए महाराज, कहिए अपनी बात। है सोच फिक्र ने सोच फिक्र को छोड़ सती, सोच फिक्र को छोड़ सती, दिल की चिंता दूर करो, दिखे दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो, दो पुत्र हो मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो। दो पुत्र जी महाराज तेरे पिता के, हाँ यानी कि मेरे भाई महाराज। हा 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 हा, जा बेटी आज मैं बड़ा खुश हूं तेरे से जी, दो नहीं सौ भाई। अच्छा सौ भाई दिए, ताली तो बजनी चाहिए भाई, दो की जगह सौ ले, ठीक है महाराज। है सौ भाई तेरे हो जाएंगे, सौ भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो, देखे एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी कुके से अच्छे जस्वी और शूर करो, एक बेटा हो मेरी कुके से अच्छे जस्वी और शूर करो। बेटी धन्यवाद, तूने इस पति को नहीं मांगा जी, मैं दोहरा दू कदे पाछनु के हमरा चीटिंग कर गया। हाँ महाराज, पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख उनका राज जी, तथास्तु, ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो नहीं सौ पुत्र दिए,
बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र दिया बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती। अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अब क्यों रोकती है? दिख कैसे होगा, क्या कैसे होगा रब पुत्र मेरा जब पति अले तब हमने पहले ही कहा था। क्या कहा था महाराज? किस पिता को मत पिता, पति अनुप्रास अलंकार, कभी पिता कहते कभी पुत्र कहते कभी पति कहती है। लड़की चालाक बनने की कोशिश मत कर। क्या चालाकी करी मैंने? मैंने पहले ही कहा था इस पुत्र पति, इस पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहां मांगा है महाराज? मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। तो दे तो दिया तेरे भी और तेरे बाप का भी। अच्छा लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? अरे ये तुमने सोचा ही नहीं बेटी, हमने जल्दबाजी में तथास्तु तथास्तु कर दी। नहीं महाराज, तथास्तु करी है, पूरी करनी भी पड़ेगी। ये आगे सावत्री तन्ने वचन भरा के, सावत्री तन्ने वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया। दिख नो निधि हेरे नो निधि और वरा सिद्धि आती ने आपकी माया। जीवित कर दूंगा तेरे पति की काया। दिखे सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान वजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान वजन में पाया। एक तरीका है। कैसा तरीका? तेरी परीक्षा लूंगा। कैसी परीक्षा महाराज? तेरी उम्र 100 साल बकाया है, आज तक 100 साल और जीवेगी जी। अगर तू यमराज को संकल्प देके अपनी आधी जिंदगी यानी के 50 साल मुझे दे, तो ये 50 साल की जिंदगी मैं तेरे पति को दान कर दूंगा। 50 साल तू जी लेना, 50 साल तेरा पति जी लेगा। लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा, घना ही हो गए 100 साल मौज मारेगी, इस बार के पता नहीं कितने और मिलेंगे। छोड़ इसको, छोड़। आधी जिंदगी देख करके अपने पति को जिंदा कराएगी, क्यों खराब करे जिंदगी ने अपनी? छोड़, आधी जिंदगी देनी पड़ेगी इसको जब जिंदा हो सकता है। महाराज आप मेरी आधी जिंदगी क्या महाराज? अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। हाय हाय, ताली बजानी पड़ेगी भाई। ले तो ले, दे तेरी आधी जिंदगी दे। लीजिए महाराज। या तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दे, खड़ा हो जा सत्यवान। अरे मान सिंह ने ओए हट, क्या कर रहा है महाराज? आपने वचन नहीं दिया पुत्र ना करूं। अरे मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रख जा। कह रघुनाथ धर्म